बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं आम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको कि आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर कोई जो भी खाएगा, हर कोई आपकी इस रेसिपी की बहुत तारीफ़ करेगा, और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और ये बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में भी बन जाती है। तो बस सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन, और इसमें लेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप सूजी ली है, गैस को किया ऑन, और इस सूजी को हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है, और ये रेसिपी जो है ना बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो बस देखिए, सूजी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसमें से जब आप बहुत अच्छी सी खुशबू महसूस करने लगें, बहुत अच्छी खुशबू आने लगे, तो बस समझ जाइए सूजी जो है हमारी रोस्ट हो चुकी है। गैस को किया ऑफ, और सूजी को एक प्लेट में निकाल कर अभी हम एक साइड रख देंगे। अब हम उसी पैन में साफ़ कर लेंगे उसको पहले। उस गैस को किया हमने ऑन, अब उसी पैन में हम यहाँ पर ले रहे हैं ये 1/2 लीटर दूध। तो ये दूध मेरा पहले से बॉईल किया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, और ये फुल क्रीम दूध है। तो जब दूध में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए, ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो इसको 2 मिनट तक हम और बॉईल करेंगे इस तरह से चलाते हुए। इसी में आप ऐड कर दें हरी इलायची का पाउडर। तो मैंने 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 साबुत इलायची लेकर उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। दूध हमारा जब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से और पक जाए, तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये रोस्ट की हुई सूजी। लेकिन सूजी को आपने ना थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, आपने एक साथ पूरी क्वांटिटी में नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और सूजी डालते हुए आपने स्पैचुला बिल्कुल नहीं रोकना है, दूध को आपने बराबर चलाते रहना है, इससे आपके खीर में जो है वो गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1/4 कप ली थी, उसमें से भी मैंने थोड़ी सी बचा ली है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कीजिएगा, और अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। मिनटों में ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, हमने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है। आपको मैं इस चम्मच से दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। तो बस हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए ये खीर हमारी, तो हम इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर दें आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या आपके किचन में इस वक्त मौजूद हो, आप वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसी के साथ इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे हम, वो क्या है? जी हाँ, मैंगो प्यूरी। तो देखिए, मैं आपको बता दी, वैसे मैंने ये 1 कप ली है, लेकिन ये मैं आपको चम्मच से भी बता देती हूँ कि ये 2 बड़े चम्मच मैंगो प्यूरी मिला इसमें ऐड कर देंगे हम। और लीजिए, हमारी ये मैंगो सूजी खीर बनकर जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसको हम मिट्टी की कटोरियों में सर्व करेंगे। तो मैंने ये कटोरियाँ धोकर थोड़ी देर पानी में डिप करके रखी हुई थी। और इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। बस फिर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दीजिए, जिस तरह से भी आप चाहें इसको गार्निश कीजिए, और इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कीजिए, फिर ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ये गुलाब की पत्तियाँ भी थी, तो कि चलो इससे भी इसको गार्निश कर देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छी गार्निश करें इसको। तो इस ईद आप इस स्वीट डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर आने वाला आपकी इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा, आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। YouTube पर मैंगो और सूजी की खीर फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की मेरी ये डिलीशियस और यूनिक रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है इसी तरह की बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए, हाँ, इससे पहले आपने क्या करना है,
जी हाँ, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।